एक माजा में जो है वो 11:18 पे जो है वो एक धमाका एक इंसिडेंट हुआ जिसके नतीजे में 7 कीमती जाने जो हैं शहरी जो हैं वो हलाक शहीद हुए और 35 जो हैं वो लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इस धमाके से मुतल्लक इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि शायद कोई जनरेटर या गैस सिलेंडर से जो है ये धमाका हुआ है। उसके बाद तमाम एजेंसीज़ ने जिसमें पुलिस, फॉरेंसिक लेबॉरेटरी, BDS, रेस्क्यू 1122, आर्मी, DHA, सिक्योरिटी, ये सब एजेंसीज़ ने जो है वो मौके पे रश किया, मौके पे पहुँचे और इब्तदाई जो एक असेसमेंट जो है उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि ये धमाका जो है ये एक्सप्लोसिव से हुआ है और कुछ की राय ये थी कि ये कोई गैस सिलेंडर की वजह से जो है वो ये धमाका हुआ है। यानी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है दोनों के हक में जो है वो दलील मौजूद थी। जो मौक़िफ़ ये था कि ये एक्सप्लोसिव का धमाका नहीं है उसमें हक उसके हक में बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील थी कि जितने भी लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए अगर वहाँ पे कोई बम नस्ब था तो उसके जो पिलट्स हैं उनसे जो है वो लोग इंजर होने चाहिए थे या जो हलाक हुए उनके बॉडीज़ के ऊपर वो ज़ख्म होने चाहिए थे। जबकि तमाम हलाक और ज़ख्मी होने वाले जो शहरी थे उनकी बॉडीज़ के ऊपर जो है वो जो मटेरियल वहाँ से जो है वो ब्लो अप हुआ जब ये धमाका हुआ तो उसकी वजह से जो है वो उनके जिस्मों के ऊपर जो है वो ज़ख्म आए और उनकी वजह से हलाकतें और जो है वो लोग ज़ख्मी हुए। जो दूसरी तरफ मौक़िफ़ था उसमें ये था कि जी धमाका बड़ा शदीद था और उसका इम्पेक्ट जो है वो बड़ा जो है वो हैवी था तो इसलिए शायद ये जो है वो एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने ऑलमोस्ट तमाम चैनल्स के ऊपर ये दोनों मौक़िफ़ जो थे वो सामने रखे और मैंने ये अर्ज़ किया कि इस धमाके की नौईयत का तयन जो है वो जब तक फॉरेंसिक लेबॉरेटरी जो है उनका जो एक सिस्टम है इसको जो है वो ट्रेस करने का उससे जब तक जो है ये मामला क्लियर नहीं होता उस वक़्त तक ये जो है वो इसका तयन जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर इंतहाई अफसोस है कि सभी नहीं बाज़ चैनल्स ने इस मामले को जो है वो अदरवाइज लिया और ख़बर जो है वो एक इस अंदाज से जो है वो चलाई गई कि जिससे ये यानी बात जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आई कि जी ये दहशतगर्दी है और ये जो है ये एक्सप्लोसिव का जो है वो धमाका है। और फिर साथ ही थोड़ी देर बाद एक और धमाके की जो है वो ख़बर जो है वो दी गई और उसके बाद फिर ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह से चलाई गई कि लाहौर धमाकों से गूंज उठा जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बिलमूम और लाहौर शहर में बिलखसूस जो है वो एक अजीब खौफ व हरास की जो है वो कैफियत पैदा हुई और पैनिक फैला लोगों में और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है ये हमारी कौमी जंग है। ये मीडिया, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब की जो है ये जंग है।
हमने सब ने इसको मिलके लड़ना है और पूरे अज़म हौसले के साथ हमने इसको फाइट करना है और इस जंग को हर कीमत पे हमने जीतना है और इन दहशतगर्दों को हर कीमत पे इनके मंतकी अंजाम पे इनको पहुँचाना है और इस जंग को जीतना है और इनको जो है वो अपने मुल्क को इनसे जो है वो साफ करना है। इसलिए ऐसे लम्हात में हमें किसी भी जो है वो ऐसे एंगल को पेश नज़र नहीं रखा जाना चाहिए कि ये ख़बर जो है ये शायद अगर मैं सबसे पहले दूंगा तो शायद उससे जो है वो कोई मेरी क्रेडिबिलिटी में जो है वो फ़र्क पड़ेगा या जो है ये मामला जो है इसमें जो है वो इस ख़बर से जो सूरत हाल पैदा होगी उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गिले की बात नहीं है और ना ही कोई इसमें कोई जो है वो ऐसी बात है कि मैं कोई ये बात करने जा रहा हूँ कि किसी ने अपने तौर पे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं किया। मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है और सारे तबके जो हैं इस दहशतगर्दी की इस जंग में अपना अपना किरदार जो है वो बड़े भरपूर तरीके से जो है वो अदा कर रहे हैं। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और उसमें कोई तख्सीस नहीं है कि किस रैंक के लोग, यानी कांस्टेबल से ले कर हाइस्ट रैंक तक लोगों ने जो है वो अपनी जान का निजराना जो है वो पेश किया है कौम की खातर, इस मुल्क की खातर। और इस इन कुर्बानियों में जो है वो सियासतदान भी शामिल हैं, इन कुर्बानियों में हमारे मीडिया के भाई भी जो है वो भी शामिल हैं, उनका भी खून इसमें शामिल है। तो इसलिए जो है इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें मामला फहमी की बात है हमारे दरमियान जो है वो इस किस्म के वाकयात की रिपोर्टिंग के हवाले से और इस किस्म के वाकयात पे किस तरह से जो है वो मामलात को जो है वो एड्रेस करना है उस हवाले से जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर को भी ये डायरेक्शन दी है कि आपके साथ बैठा जाए और बैठ के इन मामलात में एक ऐसी जो है वो एक प्रोसीजर, एक ऐसा तरीक़ाकार तय किया जाए कि आइंदा से जो है वो इस किस्म का अबहाम जो है वो ना हो और इस किस्म की अफरा तफरी या खौफ व हरास जो कि यकीनन जो है वो मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए और हम सब के लिए जो है वो दुरुस्त अमल नहीं है वो ना हो सके। इसमें जो है क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के मतलब जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि दोनों आर्गुमेंट्स जो हैं उनकी बुनियाद थी और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो दोनों आर्गुमेंट्स जो थे वो पेश किए गए, उसी तरह से आपके सामने भी जो है वो पेश हुए, आपने भी जो है वो वहाँ पे जो है वो बात की। लेकिन इसमें जो है वो कन्फर्मेशन या डेफिनेट जो है वो उसी वक्त आ सकता था जब ये जो है ये फॉरेंसिक लेबॉर्टरी से जो है ये सारा जो है वो प्रोसीजर जो है वो होने के बाद जो रिज़ल्ट आता। अब इसमें ये बात भी होगी कि जी इसमें आज जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 24 आवर्स हो गए हैं, जी इतना टाइम क्यों लगा और ये मामला जो है ये शाम तक क्यों ना हो सका, फौरी तौर पे क्यों ना हो सका। तो फौरी तौर पे तो ये एक वर्बल, एक औरल असेसमेंट ही हो सकती है जो सब ने की, BDS वालों ने अपनी की, अगर वहाँ पे कोई CTD से ऑफिसर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बात की, पुलिस के लोगों ने जो है वो अपने तौर पे जो है वो बात की कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो इमारत जो है वो बहुत बुरी तरह से, अगर आप उसकी पहले वाली पिक्चर और बाद की पिक्चर देखें तो फिर ये एहसास होता है कि ये कितना शदीद जो है वहाँ पर जो है ये धमाका हुआ कि उसकी क्या हालत हुई इस बिल्डिंग की। तो उसकी वहाँ पर जो उस बिल्डिंग की तबाही मची, उसकी दो जो ग्राउंड फ्लोर पे ये हुआ धमाका, वो पूरी ग्राउंड फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर जो है वो सारे बेसमेंट में जाके गिर गए। अब फॉरेंसिक लेबॉर्टरी को वहाँ से जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ से डिफरेंट किस्म के कोई 4-5 जो हैं वो सैंपल्स चाहिए होते हैं ताकि उनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपना पूरा प्रोसेस करके तो किसी हतमी नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंच सके।
तो इस सिलसिले में क्योंकि बिल्डिंग जो थी वो डेंजरस डिक्लेयर हुई थी और जब तक उसको जो है वो क्लियर ना किया जाता, वहाँ से मलबा वगैरह पूरी तरह से या जुज़वी तौर पे ना हटाया जाता और फॉरेंसिक लेबॉर्टरी के लोग जो है वहाँ से वो अपने सैंपल जो है वो कलेक्ट ना करते, तो उस वक्त तक फिर लेबॉर्टरी में जाके इस पूरे प्रोसेस को जो है वो करके जो है वो अपना जो है वो कन्फर्म या डेफिनेट रिजल्ट जो है वो नहीं दे सकते थे। तो इस अमल को जो है वो करने में थोड़ी वहाँ पे जो है वो देर इस तरह से हुई कि ये DHA का एरिया था, तो उन्हीं से जो है वो पहले रिक्वेस्ट की गई कि वो जो है वो वहाँ पे मटेरियल वगैरह जो है उसको डिस्पोज ऑफ या उसको एक साइट पे करें ताकि ये सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो हो सके। ये मामला जो है ये शाम तक मुमकिन हो सका और उसके बाद ये जो प्रोसीजर लेबॉर्ट्री में जाके होता है उसमें भी कम से कम 6 से 8 घंटे जो है वो टाइम एक जो है वो सर्व होता है। तो इस तरह से ये जो डिले है या मैं इसको कहता हूँ कि डिले तो नहीं है, ये यानी पूरी मुस्तदी से जो है वो काम किया गया, लेकिन बहरहाल इतना टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम होना जो है वो ज़रूरी था। तो आज सुबह जो है ये फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से जो है वो रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है उन्होंने मौके से जो है वो 6 सैंपल जो है वो लिए थे टेस्ट करने के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रोसीजर है उस तरीक़ाकार के मुताबिक, और इसमें जो है वो उन्होंने एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड एटम 6 पर एग्जामिन बाई स्टीरियो माइक्रोस्कोपी एंड केमिकल स्पॉट टेस्ट। तो ये वहाँ पे टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं और रिज़ल्ट एंड कंक्लूजन ये हैं कि नो एक्सप्लोसिव्स एंड रिलेटेड मटेरियल वर इंडिकेटेड इन एटम नंबर 1, 2, 3, 4 एटम नंबर 5 एंड 6। तो ये अब जो है वो यानी एक साइंटिफिक और रिलायबल सोर्स के हवाले से जो है ये बात ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था। और इसमें जो उन्होंने रिज़ल्ट जो है वो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन और मौका मनाजा से जो है वो हासिल हुआ है उसके मुताबिक वहाँ पे गैस के जो है वो लीकेज के भी और वहाँ पे सिलेंडर्स की मौजूदगी का की जो है वो एविडेंस जो है वो कंफर्म हुई है और इम्कान ये है कि ये वो गैस के जो वहाँ पे सिलेंडर मौजूद थे और जो गैस की लीकेज थी उसकी वजह से जो है ये एक काबिल अफसोस और इंतहाई मुखलक जो है ये हादसा हुआ है जिसमें ये 7 कीमती जाने जो है वो लोग हलाक शहीद हुए हैं और 35 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेबल है और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्द जो है वो सेहतियाब होंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ज़हमत दी थी, अब आप इस बारे में जो क्वेश्चन करना चाहे मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। जी बिल्कुल, इस बारे में जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, CCPO लाहौर यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें DHA अथॉरिटी से भी जो है वो कहा जाएगा और जिन लोगों ने भी वो सिलेंडर इस नाकस हालत में फ़रोख्त किए उन्होंने बिल्कुल एक लापरवाही का भी बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जुर्म का इर्तकाब किया, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। जी अभी तक इस बारे में कोई एविडेंस नहीं है
क्योंकि सिलेंडर लाने वाला उस बिल्डिंग को बनाने या वहाँ पे जो रेनोवेशन का काम हो रहा था वो करवाने वाला मालिक जो है वो ख़ुद वहाँ पे जो है वो मौजूद था, और ये मज़दूर कोई 25-30 लोग जो है वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इसलिए अभी तक की जो है वो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये गफलत है, इसमें कोई विलफुल जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है सामने आई। मालिक खुद भी सब एक छोटा सा आपने भी मीठा मीठा गिला किया मीडिया के साथ, आपका हक बनता है। बहुत शुक्रिया अगर आपने उसको मीठा मीठा समझा है। और मीठा मीठा मीडिया की तरफ से छोटी सी बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए कि हर चीज पे जब से आप और मीडिया पंजाब मौजूद है एक SOPs बनाते हैं, ये आपकी टीम आई थी चीफ सेक्रेटरी मोहन सेक्रेटरी उस पर अमल दरामद कराते हैं। सवाल ये कि जब कोई नाखुशगवार वाकया बड़े पैमाने पे होता है, तफसील मैं नहीं देता, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट की राणा सनाउल्लाह के अलावा बाकी सारे फौजों फौज दर फौज जो वजीरों की है जो तर्जमान कहा जाता है जिनको सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो पुलिस ब्यूरोक्रेसी वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल लाहौर में डिफेंस जेड ब्लॉक मार्केट में होने वाला धमाका दहशतगर्दी नहीं बल्कि हादसाती था, जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। राणा सनाउल्लाह का ये भी कहना है कि ये इंटेंशनली नहीं किया गया बल्कि गफलत की बुनियाद पर लगता है। नहीं, इसमें देखें मामला ये है अमीन हफीज़ साहब कि इसमें ये तरीक़ाकार जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ज़रूरत को महसूस किया है, और ये तरीक़ाकार हम आपके साथ बैठ के बिल्कुल कंट्रोल रूम तक अगर आपकी रसाई जो है उससे हालात बेहतर हो सकते हैं तो बिल्कुल ये कर ली जाएगी। और दूसरा मामला ये है देखें इसमें मेरी गुजारिश होने जरा इसमें देखें नहीं तो फिर अगर सब बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर इससे जो कल हुई है कल भी मैं समझता हूं कि खराबी जो है वो ज्यादा लोगों के बोलने की वजह से हुई है। अगर कल लोगों अगर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात ना करते तो ऐसा ना होता, इसलिए ये बात तो बिल्कुल इसको मजीद मैनेज किया जाएगा।